Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, this is a video number 11 of this chapter. Okay, class 10. Next हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? Chemical industries के बारे में, ठीक है ना? जैसे कि देख रहे हैं chemical industries क्या है. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. हमारे भारत में क्या है chemical industries? क्या है फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग. बहुत इसका क्या है फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में आते हैं ये. इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ जीडीपी. मतलब जीडीपी का ये 3% क्या करता है कंट्रीब्यूशन करता है. ओके, इट ग्रोथ इन बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. केमिकल इंडस्ट्रीज दो रूप में क्या होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक सेक्टर्स. ठीक है, दो सेक्टर में ये काम करते हैं. सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. आप बुक पढ़िएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में. ओके, चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें क्या है इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर. क्या है इंडिया थर्ड स्थान पर आता है क्या प्रोड्यूसन करने में, नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर. ठीक है ना, देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजेनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर. हमारे भारत में 57 क्या है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्रीज, जो नाइट्रोजेनियस है और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस, जटिल नाइट्रोजेनियस और सिंपल नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हमारे भारत में बनते हैं. आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यही ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे भारत में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गए हैं. जैसे हम देखते हैं गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में और भी सारे स्टेट्स में क्या हो गए थे फर्टिलाइजर्स बनना शुरू हो गए थे. तो आई होप ये फर्टिलाइजर आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट वाला. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है सीमेंट इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे. देखिए सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शंस. सीमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है किसके लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए. एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं हम क्या करते हैं सीमेंट से बनाते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं ये क्या है, द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904 में. सबसे पहली सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर आई थी, चेन्नई में हमें देखने को मिलती है. सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो मैंने आप लोग को समझाया. इसके आगे और भी सारे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, हाँ, उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है. ये सब क्या है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ था. आप लोग क्या करिएगा, बुक को पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छी तरह से शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर अबाउट. ओके, सो एंजॉय द वीडियो एंड स्टडी वेल. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.